नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जो कि विश्व भर में 13 मार्च 2022 से 21 जून 2022 के बीच 100 दिन 100 शहरों और 100 संगठनों तक चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के आरंभ होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कई बड़े दिग्गज मौजूद रहे। इस आयोजन का मूल उद्देश्य है योग के विभिन्न आयामों और इसकी उपयोगिता को व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित करना है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य कल्याण और विश्व शांति के लिए IDY 2022 के लिए 100 दिनों के उल्टी गिनती अभियान को बढ़ावा देना भी है। तो आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जो कि विश्व भर में 13 मार्च 2022 से 21 जून 2022 के बीच 100 दिन 100 शहरों और 100 संगठनों तक चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के आरंभ होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कई बड़े दिग्गज मौजूद रहे। इस आयोजन का मूल उद्देश्य है योग के विभिन्न आयामों और इसकी उपयोगिता को व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित करना है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य कल्याण और विश्व शांति के लिए IDY 2022 के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती अभियान को बढ़ावा देना भी है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले आने और बड़े मगरमच्छ ना पकड़ने के आरोप सरकार पर लगाए हैं, जिस पर जवाब देते हुए सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हुड्डा के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, हमने नकेल डाली हुई है, मामले कोर्ट में चल रहे हैं, समय आने पर इसका जवाब मिल जाएगा। वहीं अनिल विज ने 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए नहीं, हुड्डा साहब के मुंह से तो ये बात अच्छी नहीं लगती है, हमने तो नकेल डाली हुई है और कोर्ट में CBI कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और टाइम आने पर उनको इसके बारे में अंजाम के बारे में पता भी चलेगा, वो कैसे ये बात कह सकते हैं। देखिए ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब इतनी बुरी हार कांग्रेस की जो हुई है 5 प्रदेशों में, अब उसके लिए G23 जिम्मेवार है या कांग्रेस के और नेता जो परिवारवाद की बेल को आगे बढ़ा रहे हैं वो जिम्मेवार हैं? अब ये तो ये बैठ के सोचेंगे, और किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, ये परिवारवाद की विचारधारा चलाने वालों के खिलाफ करनी है या G23 वालों के खिलाफ करनी है? अब ये तो इनका पारिवारिक मामला है, इसको तो वही सोचेंगे। तो हरियाणा में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब में आपने कमाल किया है, इसका कितना असर भाजपा की चाल पर पड़ेगा, इस पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा, ये लोग आते हैं चले जाते हैं, बीजेपी स्थायी पार्टी है, बीजेपी अपनी चाल चलती रहेगी, आज दुनिया को बीजेपी की नीतियां पसंद आ रही है। बीजेपी अपनी चाल चलती है, और आपने देखा है कि 5 में से 4 प्रदेशों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, और आज दुनिया बीजेपी की नीतियों को पसंद करती है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब हरियाणा के गांव भी शहरों की तर्ज पर सेक्टरों में तब्दील होंगे, जिससे गांव के लोगों को भी शहरों जैसी तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी। जिनको हुड्डा जैसी सुविधाएं अब हरियाणा रूरल डेवलपमेंट के तहत गाँव में बनने वाले सेक्टरों में मिल सकेंगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोहना के राघव वाटिका में लायंस क्लब द्वारा आयोजित किए गए सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे थे। क्लब के साथियों का आभार प्रकट करता हूँ, 61 वर वधुओं को
यहाँ सामूहिक तौर पर आशीर्वाद दिलवाने का कार्यक्रम किया और उनके लिए ये आयोजन तो पहली बार नहीं है, निरंतर करते रहे हैं। और मेरा तो सौभाग्य है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर इस तरह का कार्यक्रम प्रदेश में हो रहा है। हम तो ये मानते हैं कि ये जिम्मेवारी है सोसाइटी की, जो आज लोग नहीं आर्थिक सक्षम है उनको इस तरह के कार्यक्रम के तौर पर आर्थिक मदद के साथ साथ उनका परिवार आगे कुशल मंगल चले। पहला सेक्टर हमने ऑलरेडी डीमार्केट कर दिया है इस राणा के अंदर, जैसे हुड्डा है वैसे ही हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से गांव के अंदर हम लैंड को पूल इन करके ग्राम पंचायत के साथ और उसको सेक्टरल तौर पर डेवलप कर रहे हैं। 47 एकड़ में चौधरी देवीलाल मॉडल कॉलोनी हमने पहली विकसित करी है और उसका यही उद्देश्य है कि उस कॉलोनी के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक हम जो शहर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण और सरकार के जन कल्याणकारी कामों से प्रभावित होकर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली है। वहीं उन्होंने कांग्रेस और आप पर भी निशाना साधा। मनमोहन सिंह का नुकसान कब हुआ? कांग्रेस इस करके रसातल में गई कि उन्होंने सिंधिया को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने अशोक गहलोत को नहीं बनाया, उन्होंने दिग्विजय सिंह को नहीं बनाया, उन्होंने मनमोहन सिंह को 80 साल के बुझाते में, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बढ़िया थे, बहुत काबिल आदमी है, उन्हें बना दिया रिमोट से सरकार चलती थी। उनके करे हुए फैसले राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिए। अहमद पटेल जाके फाइलें निकालता था प्राइम मिनिस्टर की। जब ये हुआ तो लोगों ने देखा रिमोट से सरकार चलने वाली खत्म होगी, रसातल में चली गई। अब ये सरकार चलेगी जो चड्डा IAS और IPS अफसरों की वो नियुक्ति करेंगे, सिसोदिया सारी कैबिनेट का तय करेंगे, पंजाब का आदमी। जब दिल्ली से सरकार चलेगी अपने वकार को चैलेंज समझेगा। आप एक साल देखो सरकार का क्या तो केसी साहब का सर उत्तर चुनाव था उत्तर प्रदेश, सब लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश क्या रहे, उत्तर प्रदेश लोगों ने 4 सीटों में मैंडेट किया। पंजाब एक अलग था, सब लोगों से नाराज थे, बार बार बादल आ जाते थे, कैप्टन आ जाता था, लोगों ने इस करके फैसला कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं है, BJP में तो अपने तरीके के सब नए लोग आए जो सरकारें बनाई। तो कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में शहरी निकाय मंत्री और खेल राज्य मंत्री ने नपा चुनावों को लेकर कमान संभाली है। शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पिहोवा शहर में करीब 1 दर्जन सभाओं को संबोधित किया। मंत्री संदीप सिंह बोले, जिस भी वार्ड में जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उन विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा। शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि मंत्री संदीप सिंह शहर के विकास के लिए जो भी चिट्ठी लिख कर देंगे सरकार उसे तुरंत पूरा करेगी। यही नहीं, अब शहर की गलियों, सड़कों, नालियों और अन्य बचे विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री तो छज्जर में सीताराम गेट क्षेत्र में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि झज्जर जिले के विकास का खाका खींच चुका है और जल्द ही धरातल पर भी देखने को मिलेगा। सांसद के अनुसार साउथ हरियाणा रेलवे कॉरिडोर के निर्माण होने के बाद झज्जर दिल्ली से जुड़ जाएगा। बाडसा एम्स में भी सभी OPD जल्द शुरू होंगी और मेडिकल कॉलेज भी एम्स में जल्द शुरू किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही ये धरातल पर दिखाई देगा। कंपनियों ने बाबा खाटू श्याम जी की चौकी रखी है होली के मौके पर, होली मिलन समारोह। बाके बिहारी लाल, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बाबा खाटू श्याम जी चौकी रखी गई है और बहुत जोश के साथ आज होली मिलन का प्रोग्राम बनाया। सभी सम्मानित झज्जर के हमारे सभी प्रेमियों ने जो है मिल करके पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके पूरा देखे, पूरा शहर के मौजूद लोग जो है आज इसमें हैं और मैं इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये जो त्यौहार है होली का त्यौहार है बहुत ही भाईचारे का, प्यार का और हर्षोल्लास का त्यौहार है। इसमें भाईचारे को ज़्यादा कामयाब करते हुए आपस में ऐसा हम भाव बनाएँ, एक दूसरे से प्यार प्रेम और ज़्यादा बढ़ाएँ सब मिल करके, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, हमारी महिलाएँ, बहने, बुजुर्ग, हमारे व्यापारी सब मिलकर के, और ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ सभी का, ये साल बहुत मंगलमय आगे आने वाला समय।
आगे बढ़ेंगे। रादौर में शहीद उधम सिंह के शौर्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और 2024 में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली पार्टी 55 साल के कार्यकाल में भी गरीबी नहीं हटा सकी, तो अब गरीबों ने ही कांग्रेस को हटाना शुरू कर दिया। पंजाब में कांग्रेस को गलत नीतियों के कारण बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को लोगों का जो साथ मिला, ये संकेत है कि 2024 में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर देश की बागडोर संभालेंगे। 2024 के अंदर का तो संकेत जनता ने अभी दे दिया है। इतना 4 स्टेट्स के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और दूसरी बार बनी है, तो ये सीधा सीधा संकेत देश की जनता ने, एक अपना मिनी ये चुनाव था देश का, और उस मिनी चुनाव के अंदर ये संकेत दे दिया है कि 2024 के अंदर फिर नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से इस देश की बागडोर को संभालेंगे और जो विकास की गति उन्होंने चलाई है, उस विकास की गति को और तेज करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कुरुक्षेत्र में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि जीटी रोड से बीजेपी की सरकार बनी है और यहीं के लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं, इसलिए आप कुरुक्षेत्र से आंदोलन की शुरुआत करते हुए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हुड्डा ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में दादूपुर नलवी नहर बनवाई थी, इस सरकार ने खुद ही नहर को हटवा दिया। पहली बार बजट में SYL के लिए चर्चा ही नहीं रखी, सरकार को जनहित का ध्यान नहीं है। HPSC और इसके साथ ही HSSC में नौकरियां बिकती हैं। हुड्डा ने कहा कि मुझे आड़तियों ने बताया कि 2 साल पहले ब्याज काटा था, परंतु ये पता नहीं कि ब्याज किसके पास गया, सरकार के पास या किसान के पास। दलित वर्ग बने लोगों, किसान मजदूर सारे बने, और मैं सोचता था कोई ना कोई तो वर्ग संतुष्ट होगा सरकार से, लेकिन हर वर्ग इस सरकार से भिन्न हो गया। ये मैंने आज बताया, ये सरकार बनी कैसे, ये आप कह रहे हैं सरकार बनी कैसे, पिछली बार ये सरकार बनी कैसे, देखो ये सरकार एक ही वजह से बनी और कोई कहीं दूसरा किसी का नहीं, ये सरकार बनी जीटी रोड की मदद से, क्योंकि यहां से उनकी सरकार बनाई। आज सबसे ज्यादा तकलीफ में है तो यहीं के व्यक्ति है, यहीं का किसान है, यहीं का मजदूर है। आज कभी धान की बात आती है, जब किसान ने देखा मैं उठाऊंगा आपको, मैं आई मेरी बहन बहती है, ये बताया नहीं भाई महंगाई का क्या हाल है, मैं बताता हूं महंगाई का क्या हाल है। एक उदाहरण देता हूं कि भाई एक आदमी एक एक्सेलरेटर में चला गया डोके का है, और उसने कहा कि भाई दो डोके का दो मेरे दो डोके का हुआ एक एक करके देना, ठीक है पहला डोसा खा लिया उसने और फिर दूसरा डोसा भी खा लिया। जब बिल आया तो एक डोसे का बड़ा हो गए दूसरे डोसे का बड़ा हो गए, मुझे अभी यह क्या बात, उतना ही डोसा खाने वाला नहीं है जब मेरे भी हुई एक बार दस रुपये रुपये का 15 रुपये। बोला हाँ जी क्यों, बोला क्योंकि जब पहला डोसा खाया और दूसरा डोसा बनाने में लाया इतनी देर में गैस का भाव इतना बढ़ जाएगा। फरीदाबाद स्थित सेक्टर 12 के परेड ग्राउंड में आज जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में उनके फरीदाबाद में 3 कार्यक्रम हुए हैं जिनमें लोगों का जोश और उत्साह देखने को मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि हम भाजपा की सहयोगी पार्टी है और मिलकर सरकार चला रहे हैं, इसलिए हम हर काम मिलकर करेंगे। अजय चौटाला ने कहा कि देश में मोदी और भाजपा का कोई विकल्प नहीं है और देश की जनता उन्हें चाहती है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव मिलकर लड़ेंगे, जिसके लिए हमने कोर कमेटी बना दी है जो भाजपा की कोर कमेटी के साथ मिलकर बात करेगी। पंजाब में आपकी जीत पर उन्होंने कहा कि किसी एक प्रदेश में कोई पार्टी सत्ता में आती है तो वो फार्मूला
पूरे देश में लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि पिछला चुनाव उन्होंने आप पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। मेंबरशिप ड्राइव का शुभ शुरुआत यहां से फरीदाबाद जिले से हम कर रहे हैं। पार्टी के हर कौनसी से 5000 सक्रिय सदस्य फर्स्ट फेज में बनाएंगे और संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। पर मुझे अपार प्रसन्नता है कि फरीदाबाद में मेरे पिछले 2 महीने में 3 कार्यक्रम हुए हैं। जिस तरह का जोश और उत्साह फरीदाबाद की जनता में देखने को मिला और जो साथी हमारे साथ जुड़े उनकी बदौलत मैं ये कह सकता हूँ निकट भविष्य में जननायक जनता पार्टी प्रदेश में वर्चस्व करने का। NDA के सहयोगी हैं, भाजपा के साथ मिलकर के सरकार चला रहे, हम हर काम के साथ मिलकर के करेंगे। पंजाब चुनाव में भारी जीत के बाद भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के साथ अमृतसर में रोड शो किया। उससे पहले भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने श्री हरमिंदर साहिब पहुंचकर वहां पर माथा टेका। इसके बाद जलियांवाला बाग श्री दुर्गियाना मंदिर में पहुंचे अरविंद केजरीवाल। सीएम चेहरा भगवंत मान के साथ अमृतसर में रोड शो उन्होंने किया। देशभक्ति के गीतों के साथ वो पंजाब के लोगों का उन्होंने धन्यवाद भी जताया। इसके साथ ही पोस्टरों में धन्यवाद पंजाब लिखा है। बड़ी तादाद में लोग भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को देखने पहुंचे और रोड शो के साथ हजारों लोगों का हुजूम चल रहा है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो है। विजय मार्च में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक भी शामिल हुए। आगे बढ़ेंगे। अंबाला के शहरी इलाकों में पिछले 1 साल से पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निशुल्क मेडिकल जांच कैंप लगवाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत अब ग्रामीण क्षेत्र में भी हो चुकी है। आज अंबाला के गांव बलाना में निशुल्क मेडिकल रक्त जांच और ई सेवा कैंप लगाया गया, जिसमें अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि आज से ग्रामीण इलाकों में मेडिकल कैंप की शुरुआत हो चुकी है। हर रविवार 1 गांव में निःशुल्क मेडिकल सेवाएं दी जाएंगी। वहीं ट्रस्ट द्वारा मेयर शक्ति रानी शर्मा की अगुवाई में फर्स्ट इन क्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत बोर्ड क्लासों के बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है। फर्स्ट इन क्लास की फाउंडर ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि एग्जाम के समय में बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग से काफी फायदा हो रहा है। इसके कार्यक्रम के साथ बड़ी संख्या में छात्र जुड़ रहे हैं। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कई अध्यापक भी इस कार्यक्रम में जुड़ अपनी निःशुल्क सेवाएं देना चाहते हैं। आपको बता दें कि गांव बलाना के निवासी बड़ी संख्या में मेडिकल कैंप का फायदा उठाने पहुंच रहे हैं। लोगों द्वारा कैंप में आंख, दांत और खून की जांच करवाई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों में भी कैंपों की उतनी ही जरूरत है जितनी शहरों में है, और यहाँ तो मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत है। और बहुत तादाद में लोग आए हुए हैं, उनको भी स्पेशलिटीज चाहिए। जो हम शहर में जो सुविधा दे पा रहे हैं, वो हर गांव में भी सुविधा देने की ज़रूरत है। खास करके जो बच्चे भी हैं, वहाँ पर डेंटल भी है, यहाँ पर आ जाए, ऑर्थोपेडिक्स भी है, आईज़ भी हैं। और हमने एक जो आईज़ के लिए एक मुहिम छेड़ा है कि जितने भी लोगों को लेंसेज की ज़रूरत है, वो अम्बाला में फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैंप के माध्यम से डलवा सकते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के लेंसेज हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि जिन किसी को भी लेंस की ज़रूरत है, वो प्लीज़ आके यहाँ पर अपनी आँखें दिखाएं और अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। बहुत बेनिफिट है सर, जैसे कि शहर में लगे हैं पहले, तो गांव में भी उतनी ज़रूरत है जितनी शहर में है। और ख़ासकर जो गांव के लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शहर नहीं जा सकते, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आज जो डॉक्टर यहाँ पर आए हैं और जो चेकअप है वो बढ़िया तरीके से हो रहा है, और लोग हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं, काफ़ी संख्या में जो अभी तक लोग आ चुके हैं। और इसका बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है पूरे जो है अम्बाड़ा में, और ज़रूरत भी है हेल्थ की। बच्चों को ये एक्सपीरियंस है जो डिजिटल लर्निंग का है, जब वो हायर स्टडीज़ में भी जाएंगे तो वो यही माध्यम से आगे पढ़ाई करेंगे, और इसीलिए माता जी ये मुहिम यहाँ पर यहाँ के बच्चों के लिए लाए हैं, क्योंकि माला के सारे बच्चे माताजी अपने बच्चों की तरह समझती हैं, और वो कोशिश कर रही हैं कि सारे बच्चों को वही फैसिलिटीज़ मिले जो उनके बच्चों को भी मिले। ये जैसे कि माताजी ने कहा, ये ग्रामीण इलाका है, तो माताजी ने ये मुहिम छेड़ी कि शहर के ही नहीं, यहाँ के गांव के भी बच्चे
शहर के बच्चों के साथ सेम फैसिलिटीज़ उनको मिले, तो उनके लिए भी 9th, 10th, 11th, 12th के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साइंस की हमने शुरू की है। तो जो भी बच्चे अपने छोटे भाई बहन के भी साथ भी आ रहे हैं और जो छोटी क्लासेस के भी हैं वो भी हमारे लिए इनरोल कर रहे हैं। आगे आगे ज़माना डिजिटल और ई लर्निंग का है, तो अम्बाला के बच्चे भी ज़माने के साथ रहें। अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अग्रवाल समाज की महिलाओं संग मनाया होली मिलन समारोह, और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अम्बाला शहर के प्रथम महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा अग्रवाल, महिला समाज के प्रदेशाध्यक्ष सुशीला सर्राफ, प्रदेश महासचिव विनु अग्रवाल और सफेदों के जिलाध्यक्ष सरोज गोयल ने हिस्सा लिया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको हम चार तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें अम्बाला, रेवाड़ी, रोहतक और फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं। तो तीन तस्वीरें फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अम्बाला की तस्वीर है होली मिलन समारोह की, रेवाड़ी की तस्वीर और फरीदाबाद की तस्वीर। तो हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।